ना फोर्थ स्टैंडर्ड वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। देखो अपन आज मराठी का 12 वा लेसन देखेंगे, शब्दांशी खेळूया। शब्दांशी खेळूया यानी वर्ड्स, आपको वर्ड्स बनाना सीखना है। खेळूया यानी मतलब खेलने का नहीं है, उससे हम लोग को क्या करना है, गेम करना है। मतलब वर्ड्स जो है वो वर्ड्स हम लोग को मराठी में बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, बनाने के लिए अपन सीखना है। ओके देखो अपन फर्स्ट जाएंगे। अभी ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल दिया है पूर, है ना। और यहाँ पे कौन सा पिक्चर्स दिया है, मून का, उसको मराठी में क्या बोलते हैं, चंद्र। ओके तो यहाँ पे क्या, पहले मून का पिक्चर दिया है, फिर आगे पूर दिया है, तो अपन ये मून का नाम लिखने का है मराठी में, तो वो मराठी में उसको क्या बोलते हैं, चंद्र। और ये पूर, ये दोनों वर्ड आपको ज्वाइन करके लिखना है, चंद्रपूर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, फर्स्ट देखो फर्स्ट पिक्चर कौन सा है, स्नेक है ये, इसको मराठी में क्या बोलते हैं, नाग। ओके नाग बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, वो पिक्चर का नाम लिखना है पहले, नाग, फिर ये पूर है वो लिखना है, नागपुर। ओके सेकंड देखो चिंच, और ये क्या है, ट्री है, वर्ड है, ये वर्ड का जो ट्री है मराठी में इसको वर्ड का झाड़ बोलते है। ये देखो यहाँ पे पहले चिंच, ये पीछे है ना, तो इसका जो नाम है वो भी पीछे आएगा, ये पिक्चर आगे है तो उसका नाम जो है पिक्चर का वो आगे आएगा। अभी ये चिंस पहले लिख के ले लो, चिंस ये वर्ड का झाड़ है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, चिंस वर्ड। ओके नेक्स्ट थर्ड पिक्चर देखो, फर्स्ट क्या है, 40, मराठी में इसको 40 बोलते है, आगे क्या है, गाँव, पहले इसका नाम लिख के ले लो, चाईस, चा इस, अनि है आगे गाँव, चाईस गाँव। ओके उसके नेक्स्ट में देखो क्या ये कौन सा है, ये फॉग है, फॉक्स है, फॉक्स है ना, फॉक्स का पिक्चर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉक्स को मराठी में क्या बोलते हैं, कोल्ला, क्या बोलते हैं, कोल्ला, और ये पूर, कोल्हापुर। ओके उसके नेक्स्ट देखो ये क्या है, पिकॉक है, पिकॉक, पिकॉक को मराठी में क्या बोलते हैं, मोर, मोर, और ये गाँव, इधर मोर गाँव। ओके ये मराठी में वर्ड्स तैयार हो गए। नेक्स्ट देखो ये क्या है, बारा, तो पहले बारा लिख के ले लो मराठी में, बारा, ये क्या है, मती, उसके आगे मती लिखो, ज्वाइन करके लिखना है, उसके बीच में डिस्टेंस नहीं रखना है। ओके बारामती। नेक्स्ट देखो ये क्या है, गढ़, अपन बोलते हैं ना गढ़, पहले गढ़ लिख के ले लो वो पिक्चर का नाम, चिरोली, ची रो ली, अभी इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, गढ़ चिरोली। ओके अभी ये मराठी में इसको कितना बोलते हैं, 32, 32 है ना, पहले 32 लिख के ले लो, बत तीस, शिराया ज्वाइन करके लिखो, शिराया, 32 शिराया। ओके उसके नीचे देखो ये क्या है, हॉर्स है, हॉर्स को मराठी में क्या बोलते हैं, घोड़ा, घोड़ा, आगे ये गाँव, घोड़ा गाँव। उसके नीचे देखो ये क्या है, मैंगो, मैंगो को मराठी में क्या बोलते हैं, अंबा, अंबा, वो उसके आगे गाँव, अंबा गाँव। ओके उसके नीचे देखो क्या लिखा है, खालील शब्द ना पूर शब्द जोड़ा, मतलब ये जो वर्ड्स दिए है उसके आगे उनको क्या करने का है, सब वर्ड्स के आगे ये पूर लिखने का है, खाना पूर, सोला पूर, हाँ वीजा पूर, अनि सजा पूर, सबके आगे पूर पूर लगाना है। वैसे ही सेकंड वाला देखो, खालील शब्द ना वाड़ी शब्द, सब वर्ड्स के पीछे ये वर्ड लिखना है, वाड़ी, पयस वाड़ी, सावंत वाड़ी, कुरुड़ वाड़ी, किर्लोस्कर वाड़ी। ओके ये आपको आपकी मराठी के नोटबुक में क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे वो लिखना है। समझ में आया, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। पिक्चर्स है, पिक्चर्स आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको मराठी में क्या बोलते हैं, उसका आपको मराठी में नाम लिखना है।
और वो वर्ड्स आपको कंप्लीट करने हैं। ओके।